नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता भी इस बार यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर की तरह इतिहास रचने जा रहे हैं। वहां राज नहीं, रिवाज बदलने जा रहे हैं। उनका दावा है कि हिमाचल में बीजेपी की जयराम ठाकुर सरकार इस बार भी सत्ता में आएगी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने विशेष बातचीत में हिमाचल और गुजरात के प्रतिष्ठानपूर्ण चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी और समान नागरिक संहिता सहित कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए हैं। नड्डा ने कहा है कि और किसी दुविधा में नहीं है और गुजरात में चुनाव का सातवां द्वार भी फतेह करेगा। पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे ही मैदान में है और सत्ता में आने पर हिमाचल में जयराम ठाकुर और गुजरात में भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी और अब इसे लेकर सचिन पायलट ने तंज कसते हुए गुलाम नबी आजाद की तारीफ वाला किस्सा याद दिलाया। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने इस पर अंदेशा भी जताया है। सचिन पायलट ने कहा है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से मानगढ़ में अशोक गहलोत की तारीफ की, उससे कुछ अंदेशा हो रहा है। लोगों को याद है कि किस तरह से पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की संसद में ही तारीफ की थी और सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में आयोजित मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि अशोक गहलोत और मैंने मुख्यमंत्री के रूप में साथ काम किया था और वो हमारे बहुत से मुख्यमंत्रियों से में सबसे वरिष्ठ थे। आज भी यहाँ मंच पर बैठे सभी मुख्यमंत्रियों में से वो सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री में से एक हैं। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ ऐसे वक्त पर की है जब एक साल बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी हैं। पश्चिम विक्षोभ के चलते देश के उत्तरी राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है और मौसम विभाग ने कहा है कि इस हफ्ते जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही छुटपुट रूप से ही हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा गुरुवार को जारी पूर्ण अनुमान के अनुसार हिमालय में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसका शुक्रवार से देश के उत्तरी राज्यों पर असर पड़ेगा। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश होगी। शुक्रवार और शनिवार को इसका प्रभाव ज्यादा नजर आएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो समीपवर्ती मैदान में भी इलाके में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। इसके चलते एक द्रोणिका उत्तरी कर्नाटक तक बनी हुई है और वहीं उत्तर पूर्वी हवाएं उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की ओर चल रही है। इसलिए इन तीनों राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। पौड़ी जिला अस्पताल परिसर में जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए सामान्य वार्ड, महिला वार्ड और सर्जिकल वार्ड कोविड मरीजों को समर्पित इत्यादि का अवलोकन किया है और इस दौरान उन्होंने जनरल वार्ड का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से मुलाकात कर प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन और इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है। उन्होंने पानी की आराओं की भी गुणवत्ता जांची है और साथ ही नियमित अंतराल पर सफाई करने के निर्देश दिए हैं। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मरीज को ले जाने के लिए बनाए गए ढाल का भी अवलोकन किया गया है। अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट सुविधा नियमित तरीके से नहीं की जा रही थी और अस्पताल के परिसर में 2 पुराने खराब वाहन पाए गए और अनावश्यक सामग्री जो है अस्त व्यस्त पाई गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए तत्काल खराब वाहनों की नीलामी करने और बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित और बेहतर तरीके से निपटान करने और इसके साथ ही परिसर को साफ सुथरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रेराक्षग्रह
निरीक्षण के दौरान ही दर्शक दीर्घा, स्टेज लाइटिंग और साउंड सिस्टम और इसके साथ ही सांस्कृतिक परीक्षण की जानकारी लेते हुए व्यापक साफ सफाई के निर्देश दिए। सितारगंज धान क्रय केंद्र और विपणन विभाग के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से ही सक्रिय रहने वाले संगिद्धों के खिलाफ एसडीएम ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि क्रय केंद्र और कुछ विभागीय अफसरों के पास निरंतर कुछ लोग बैठकर धन तौल कर प्रभावित कर सकते हैं। एसडीएम से इसकी शिकायत की गई और उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कुछ राइस मिलों को ही प्राथमिकता की और शिकायत पर वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विपणन विभाग और धान क्रय केंद्रों पर लगातार कुछ संदिग्ध के हस्तक्षेप की शिकायत मिल रही है। उन्होंने समझ से केंद्र के प्रभारियों और विपणन अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनाधिकृत रूप से ही कार्यालय और क्रय केंद्र के बाहर सक्रिय संदिग्धों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराएं और धान तोल किसी भी तरह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि सितारगंज से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि शिकायत मिल रही है और इसके साथ ही ये भी जानकारी विभाग में बैठे संदिग्ध इसमें मामले में सामने आ रहे हैं। सितारगंज धान क्रय केंद्र और विपणन विभाग के कार्यालय में ही अनाधिकृत रूप से ही सक्रिय रहने वाले संदिग्धों के खिलाफ एसडीएम ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि क्रय केंद्र और कुछ विभागीय अफसरों के पास निरंतर कुछ लोग बैठकर ही धान तोल को प्रभावित कर सकते हैं। एसडीएम से इसकी शिकायत की गई थी, जिसकी जानकारी एसडीएम को दी गई, जिसके बाद अब एक्शन मोड में एसडीएम नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कुछ राइस मिलों को प्राथमिकता की शिकायत पर वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपणन विभाग और धान क्रय केंद्रों पर लगातार कुछ संदिग्धों के हस्तक्षेप की शिकायत मिल रही है। उन्होंने समझ के लिए ही केंद्र के प्रभारियों और विपणन अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनाधिकृत रूप से कार्यालय और क्रय केंद्र के बाहर सक्रिय संदिग्धों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराए, धान तोल किसी भी तरह प्रभावित होने नहीं दी जाएगी। कहता प्रकरण है कि एक तो जो हमारी राइस मिल्स हैं उनका कुछ का कहना था कि कुछ राइस मिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो धान भेजा जा रहा है उसके संबंध में जांच की गई है और सभी जो भी अभी तक धान भेजा गया है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है वीडियो कोऑपरेटिव से भी और यहाँ पे एसएमआई से भी। दूसरा जो मुख्य था प्रकरण है वो बार बार किसानों के द्वारा भी और अन्य सोर्सेज से भी हमें पता चल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोग लगातार कांटे पर बैठ रहे हैं, जो जिनका कोई ऐसा अधिकार नहीं है यहाँ पे बैठकर किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक करने का। उसके संबंध में ये जांच की गई थी और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी कांटे के जो प्रभारी हैं और यहाँ पे एसएमआई को भी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति कांटों पे या ऑफिस में बैठा हुआ ना दिखे या उसका किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप इसमें ना दिखे। अगर ऐसा होता है तो सुसंगत धाराओं में जाएगा और नियमित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।